आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय संलग्नित महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। हर वर्ष कई नामी कॉलेजों में सीटें भर जाने के बाद अतिरिक्त सीटों की मांग बढ़ जाती है। यही वजह रही कि विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों के 20% सीटें बढ़ाने के लिए विशेष प्रस्ताव भेजने का आह्वान किया। मेरे पास कुछ वीडियो आए हैं, कुछ वीडियो में तो बाकायदा मेडिकल और मेयो के नाम भी लिए गए हैं। कुछ लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वीडियो न केवल भद्दे तरीके से बनाए गए बल्कि उनकी जरा भी विश्वसनीयता नहीं है। कोविड के मरीजों की मौत के बाद प्रक्रिया पूरी तरह सुपरवाइज वर्क है। परिजनों के साथ ही मनपा को अवगत कराया जाता है। किडनी लिवर निकालना इतना आसान भी नहीं है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर शिकायत की जाने वाली है। सेंट्रल जेल में हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदी की अचानक तबीयत खराब हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम मनोज मांगरा नोनिया, उम्र 43 साल बताया गया। मनोज मूलतः झारखंड के फरीदाबाद में BCCL कंपनी एरिया का निवासी था। उसे रत्नागिरी में हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा दी गई है। वह तब से नागपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। वर्धा रोड स्थित साई मंदिर परिसर में एक ओर से अतिक्रमण कर बैठे दुकानों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए श्री साई बाबा सेवा मंडल की ओर से मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई है। तकनीक का बेहतरीन उपयोग करते हुए पहाड़ी पुलिस ने कंटेनर से करीब 50 लाख रुपए की चाय पत्ती की चोरी के मामले का पर्दाफाश किया। और नासिक के अलावा उत्तर प्रदेश से भी कुल 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। उनके निशानदेही पर नासिक से 40 लाख रुपए कीमत की चाय पत्ती के 968 बॉक्स भी बरामद किए गए हैं। त्रिदिवसीय महालक्ष्मी उत्सव मंगलवार 25 अगस्त से प्रारंभ होगा। 3 दिन के इस त्यौहार पर घर में रौनक रहती है। महाराष्ट्रीयन परिवारों में गणेश उत्सव के दौरान यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार नक्षत्र प्रधान है। भाद्रपद माह शुक्ल के पक्ष में अनुराधा ज्येष्ठा व मूल नक्षत्र पर यह त्यौहार मनाया जाता है। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों को कोविड टेस्ट करने को कहा गया। पिछले कुछ दिनों से कन्हान में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। विशेषकर ग्रामीण भागों में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ने से ग्रामवासियों में डर का माहौल बना है। सोमवार को कन्हान में 55 रैपिड टेस्ट की गई, जिनमें से कन्हान की एक आशा वर्कर, कांदी के MMC सहित कुल 10 व्यक्ति कोरोना संक्रमित। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। राहुल ने चिट्ठी लिखने वालों को लगाए फटकार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। सीबीआई की टीम ने रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत के सिलसिले में इस पूछताछ के लिए समन दे दिया है। सीबीआई ने रिया से पूछताछ के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट भी बना ली है। इससे पहले सीबीआई सुशांत के करीबी सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज से कई बार पूछताछ कर चुकी है।